हेलो दोस्तों दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये है होंडा एक्टिवा 125 BS6। इसके बारे में कुछ लोग ऐसे ऐसे वीडियो बना रखा है यूट्यूब में, इसमें यह है ये इतना ज़्यादा ये BHP पावर है, इतना ज़्यादा पेट्रोल नहीं खाएगा, हैन तैन, मतलब इंडियन मीडिया की तरह इंडियन यूट्यूबर भी झूठ बोलने लगे। जैसे इस गाड़ी के बारे में ऐसा ऐसा बात कर रहा है जैसे ये गाड़ी नहीं है, हवाई जहाज है। तो इसीलिए मैंने वो सब वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि पब्लिक को सच बताना चाहिए, तो मैंने इसका ऑफिशियल वेबसाइट खोल दिया और आपके सामने मैं यहाँ पे देख लीजिए तीनों का स्टैंडर्ड वर्जन, एलॉय वर्जन और डिलक्स का, तीनों का आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा आपको दिखाने के साथ साथ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बकवास करता जाऊंगा, आप सुनते जाओगे, आप देखोगे प्लस मैं बताऊंगा। अगर मुझे बोलने में गलती हो जाती है तो आप दिखने में गलती बिल्कुल नहीं करोगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों अगर आप इस गाड़ी का फाइनेंस डिटेल जानना चाहते हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया, उस वीडियो को देखोगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड वर्जन का। दोस्तों स्टैंडर्ड जो वर्जन है वो है 67,490 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसका पूरा डिटेल्स निकल आएगा स्टैंडर्ड वर्जन का, ठीक है। ये देखिए इसका पूरा स्टैंडर्ड वर्जन का पूरा डिटेल्स निकल आया है। यहाँ पे इंजन टाइप जो है वो है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक HET BS6 इंजन लगाया गया है इसमें। इसका जो NM टॉर्क होता है वो है 10.54 NM टॉर्क और 5000 RPM। इसका जो स्ट्रोक है वो है 63.1 mm और नो नंबर ऑफ सिलेंडर, मतलब सिंगल सिलेंडर है इसमें इंजन यूज़ किया गया है। और इसमें जो वाल्व है, मतलब सिंगल सिलेंडर में जो इंजन का वाल्व होता है, वो दो वाल्व इसमें लगाया गया है। देखिए यहाँ पे वाल्व पर सिलेंडर, ठीक है। और इसका ये गाड़ी पेट्रोल गाड़ी है, सभी जानता है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए इंजन डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 124 cc की इसमें इंजन लगाया गया है। और जो BHP पावर होता है वो है 8.63 PS BHP पावर और इसका RPM है 6500 इसका RPM है। जो दिखा रहा हूँ मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसका जो ब्योर है वो है 50 mm और इसका जो ड्राइव टाइप है वो है बोल्ट ड्राइव। और इसका जो कंपैरिजन रेशियो है वो है 9:8:1। इंजन इमोबिलाइजर नहीं है, नो यहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी हम देखेंगे इसका एलओए वाला वर्जन। दोस्तों आप क्लिक करते हैं एलओए वाला वर्जन, यहाँ पे देखिए एलओए वाला जो वर्जन है वो 70,990 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस है। यहाँ पे करते हैं व्यू डिटेल्स, व्यू डिटेल्स करते हैं, यहाँ पे उसका पूरा डिटेल्स आ चुका है। यहाँ पे आप देख लीजिए इंजन टाइप सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक HET BS6 इंजन इसमें लगाया गया है। स्ट्रोक 63.1 mm, ड्राइव टाइप बोल्ट ड्राइव, कंपैरिजन रेशियो 10:0:2, इंजन इमोबिलाइजर यस, जो पहले वाला स्टैंडर्ड वर्जन में इंजन इमोबिलाइजर नो था, अभी इसमें यस है। इंजन डिस्प्ले मतलब ये गाड़ी 24 cc की है। ब्योर 50 आप यहाँ पे देख सकते हो, 50 mm इसका बोर है। और नो ऑफ सिलेंडर मतलब सिलेंडर सिंगल सिलेंडर इंजन है। और फ्यूल टाइप पेट्रोल सभी जानते हैं। वाल्व और पास सिलेंडर मतलब इस सिंगल सिलेंडर में दो वाल्व लगा हुआ है। और दोस्तों अभी देखेंगे इसका डीलक्स वाला वर्जन, जो सबसे ज़्यादा कीमत है इसका। जैसे कि इसका डीलक्स वाला जो वर्जन का कीमत है, इसका एक शोरूम प्राइस है 74,490 रुपया। और इसका पूरा डिटेल्स एक बार देख लेंगे यहाँ पे। इसके देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका इंजन टाइप वही है जो स्टैंडर्ड में है, एरोए में है। और इसका जो स्ट्रोक है वो है 63.1 mm और नंबर ऑफ सिलेंडर सिंगल सिलेंडर इस इंजन है इसमें। और जो कंपैरिजन रेशियो है वो है 10:0:2 और इंजन इमोबिलाइजर यस, मतलब सिर्फ स्टैंडर्ड वाले वर्जन में इंजन इमोबिलाइजर नहीं है, बाकी सब में दोनों में एलोए और डिलक्स में दोनों में इंजन इमोबिलाइजर है। यहाँ पे देखिए इंजन डिस्प्लेसमेंट 124 cc, बोर 50 mm और ड्राइव टाइप बोल्ट ड्राइव, फ्यूल टाइप पेट्रोल और वाल्व पर सिलेंडर मतलब सिंगल सिलेंडर इंजन है, दो वाल्व लगा हुआ है, सभी में दो वाल्व लगा हुआ है। तो दोस्तों ये था इसका डिटेल, जो भी इसके बारे में बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है आपको वो वीडियो में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, चलिए आपकी मर्जी। तो अगर इसके बारे में आप पूरा डिटेल जानना चाहते हो और भी कुछ जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब वहाँ पे डेफिनेटली दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।